इंडियन वुमेन अब सेफ सेक्स को लेकर अवेयर हो रही है। इस बात का खुलासा हेल्थ मिनिस्ट्री के एक सर्वे में हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 से 2016 में सामने आया कि शादी से पहले सेक्स के दौरान कॉन्डोम के यूज में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 10 साल में ऐसी महिलाओं में कॉन्डोम यूज करने का आंकड़ा 2% से बढ़कर 12% हो गया। 15 से 49 साल की अविवाहित महिलाओं के बीच सर्वे से ये बात सामने आई। हालांकि सबसे अधिक कॉन्डोम का यूज 20 से 24 साल की महिलाओं के बीच हुआ। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि 8 में से 3 पुरुष ये मानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन का परवाह करना महिलाओं का काम है, पुरुषों को इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 25 से 49 साल की महिलाएं गर्भ निरोधक के तौर पर अपनी नसबंदी को महत्व देती है। वही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पील का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं का आंकड़ा 1% से भी कम है। गौरतलब है कि शादीशुदा महिलाओं में भी एक संतोषजनक बात यह है कि 15 से 49 साल के बीच देश के 99% शादीशुदा महिलाओं और पुरुषों को गर्भ निरोधक के कम से कम एक तरीके की जानकारी अवश्य है। बता दें कि मणिपुर, बिहार और मेघालय में सबसे कम 24% कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पंजाब में सबसे ज्यादा 76% कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं।